हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? सर्दियों में आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए आज करते हैं, आज है वर्कशीट नंबर 130 और ये केजी क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और मैथ काफ़ी आसान विषय होता है। तो चलिए हम इस विषय की शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, आइए बच्चों नीचे दी गई चीज़ों को गिनकर देखते हैं ये गिनती में कितनी है। तो यहाँ कुछ उंगलियाँ दिखाई जा रही हैं, आप इन उंगलियों को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 उंगलियाँ हैं। उसके बाद पेंसिल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पेंसिल भी साथ है। कुछ पत्तियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पत्तियाँ हैं। और यहाँ कुछ डैश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डैश हैं। तो ये सभी साथ हैं, सही गिना आपने, ये गिनती में सात ही हैं। आज हमें सात अंक को लिखना जानना है। बच्चों, क्या आपको पता है सात कैसे लिखा जाता है? आइए इसे अपनी नाक से हवा में लिखते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। तो नाक को पहले आप दाहिनी तरफ घुमाइए, फिर नीचे की ओर लाइए। मतलब कि पहले यूं घुमाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे, तो ये सात बन जाएगा। यहाँ भी देखिए, फर्स्ट स्टेप में ऐसे करना है और सेकंड स्टेप में इसे नीचे लाना है, ये सात हो गया। अब कह रहा है कि अब आप अपनी ड्राइंग फाइल में नीचे दिए गए केक जैसा चित्र बनाकर उस पर सात मोमबत्तियाँ बनाइए। आप अपने ड्राइंग फाइल में केक जैसा चित्र बनाएंगे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। आप ऐसे गोला कर लेंगे, फिर इसको ऐसे कर लेंगे और फिर नीचे से भी आप इसमें ऐसे ऐसे बॉर्डर बनाकर और सात मोमबत्तियाँ लगाएंगे। ओके, तो ये काम आपको करने हैं, आप इसको कर लेंगे। उसके बाद अब हमें जानना है, आओ मिलकर सोचें, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में सात दिन होते हैं। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में भी सात रंग होते हैं। आप यहाँ देख लीजिए कितने अच्छे इंद्रधनुष दिए गए हैं। और यहाँ दिनों की भी संख्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस तरह से सात दिन भी हैं। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए बिंदुओं को जोड़कर सात लिखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं, यहाँ ये हैं सात, देखिए। है ना? तो इस तरह से हमने इन कुल बिंदुओं को जोड़कर सात की संख्या लिखी। और सात लिखना जान के बहुत आसान है, इसको ऐसे रेखा खींचनी, फिर नीचे यूं खींच देना है, ये सात हो गया। अब कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों में से सात के समूह वाले चित्रों में रंग भरिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो टॉफियाँ हैं, 1 2 3 4 टॉफियाँ हैं। और यहाँ बैलून्स दिए गए हैं, तो बैलून्स की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 बैलून्स हैं। यहाँ ट्रीज़ हैं, तो ये दो हैं, और ये फ्लावर 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हमें रंग भरने हैं, तो आप इन सब में रंग भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बैलून है, तो बैलून में आप ग्रीन कलर डाल दें, ऐसे आप इसको अच्छे से भर दीजिएगा, ठीक ना? ठीक है, ये हो गया। आप इसको थोड़ा सावधानी से भरिएगा। और फिर यहाँ फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर्स में आप रेड कलर डालिएगा, उसके बाद नीचे ग्रीन डालिएगा। यहाँ इस समय ऐसे आप इसको कलर कर दीजिएगा, तो सातों कलर हो जाएंगे। अब चलिए, माता पिता बच्चों के कार्य करने और चित्र बनाने में सहायता करेंगे। और अभिभावकों के लिए संदेश है कि बच्चों की मासूमियत और भोली नादानियाँ सभी को लुभाती हैं, लेकिन यही नादानियाँ कब गलतियों में बदल जाती हैं हम समझ नहीं पाते। उनकी सभी गलतियों को हंसकर टालने की बजाय उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट काफ़ी आसान तरीके से संपन्न हुई। मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।